आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही छोटी होने वाली है और हम लोग श स और ज की एक छोटी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में जो ये टंग ट्विस्टर्स थे ना ये जो अंग्रेज थे इन्होंने इन्वेंट किए थे ताकि आपकी ये जो माउथ के ये जो मुंह के मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो सके तो ये कुछ टंग ट्विस्टर है जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप श स और ज से एकदम फ्री हो जाएंगे सो इसीलिए टंग ट्विस्टर्स वर इन्वेंटेड नाउ ये जो स है इसका मैंने एक कॉलम बनाया है और ये जो ज है इसका मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है तो स का देखिए ये जो एस में जब एच लग जाता है ना तो ये श होता है श और जब एस में एच नहीं लगता है तो वो स कहलाता है सो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर सो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर ऐसे आपको बोलना है स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तो आप फंबल करोगे इसको बोल नहीं पाओगे बट विथ टाइम विथ प्रैक्टिस आप इसको ऐसा इतनी इतनी स्पीड से आप इसको बोल लोगे ना जिसकी कोई हद नहीं है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को होगा कि कल को जब आप इंग्लिश बोलोगे ना तो ये स और श का जो एम टी आई आता है जो आई डोंट नो कितने सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो भी श और स को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं सो उन सबको मेरी वीडियोज़ देखनी चाहिए और यहाँ से सीखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अब ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो कुछ छोटा सा ट्राई कीजिए फॉर एग्जाम्पल सेल फिश शेल फिश अब ये ये क्या है ये से, ये स इसी लिए है क्योंकि स के बाद एच नहीं आया है और ये श है क्योंकि एस के बाद एच आया है तो ये होगा सेल फिश शेल फिश सेल फिश शेल फिश सेल फिश शेल फिश ऐसे करके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और ये जो ज है एक तो होता है जू जो चिड़ियाघर होता है जिसमें एनिमल्स हम लोग देखने जाते हैं और दूसरा होता है जू जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइज ये जू और ये जू में हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है जिपी जाइपर जिप्स जिद्सी जिपी जाइपर जिप्स जित्सी जिपी जाइपर Zips. So कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे जिट्सी zippy, zipper, zips. जिट्सी zippy, zipper, zips. इसको आपको प्रैक्टिस करनी है इसको आपको प्रैक्टिस करनी है कितने दिनों तक प्रैक्टिस करोगे Psychologist से कि 21 days डेज हमारे को एक हैबिट डेवलप करने में लगते हैं इक्कीस दिन की प्रैक्टिस कर लीजिए कितना टाइम लगेगा दिन में दो तीन मिनट निकालिए अपने फोन में नोट पैड पर इसको लिखिए दिन में दो तीन बार इसको बोल लीजिए कीप ऑन रिपीटिंग इट एंड डू इट फॉर ट्वेंटी वन डेज एंड लेट मी नो Is there any difference that you are able to find in yourself when you are talking about shah and sah, ja and za? Agli video